रोटेटर कफ टीयर या इंजरी से कैसे बचा जाए, और आपकी अगर इंजरी हो गई है और ट्रीटमेंट हो गया है, चाहे उसमें हमने नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट किया है, पीआरपी से ऑपरेशन किया है, रोटेटर कफ रिपेयर, तो दोबारा टीयर नहीं हो, आखिर उसके लिए क्या किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक आर्थोस्कोपिक एक्सपर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट। तो दोस्तों, जब रोटेटर कफ टीयर हो जाता है तो सर्जरी या पीआरपी एक ऑप्शन रहता है, पर इसके बाद भी डर बना रहता है कहीं दोबारा तो नहीं टूट जाएगा। या वो लोग जो एक्टिव बॉडी बिल्डिंग में या स्पोर्ट्स में, या जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, 40-45 से अबव जा रहे हैं, सो इन लोगों में रोटेटर कफ टीयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, 40-45 से अबव जा रहे हैं, जो हाई एंड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, जैसे बॉक्सिंग हुआ, कराटे हुए, या फिर जो बॉडी बिल्डिंग में, इन लोगों में रोटेटर कफ इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आखिर क्या किया जाए ताकि आप इंजरी से बच सकें? सो दोस्तों, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो एक्सरसाइजेस। अगर आप रोटेटर कफ की रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे आपको कभी इंजरी हुई है रोटेटर कफ में, या आपकी सर्जरी हो रखी है रोटेटर कफ की, एक्सरसाइजेस के अंदर हम रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। बहुत ज़रूरी है कि धीरे 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 अपग्रेड होती रहे। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में पहले हम आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग करते हैं। सारे मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करना जरूरी है, मतलब सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरी स्पाइनर, इनकी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस चालू कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आ सकते हैं थेराबैंड के साथ एक्सरसाइजेस करना। थेराबैंड से आप आराम से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड कर दीजिए, डंबल के साथ एक्सरसाइज कीजिए रोटेटर कफ की। और फाइनली हमें ईसेंट्रिक मोड में सारी मसल ग्रुप ऑफ रोटेटर कफ को ट्रेन करना है। अगर आप रेगुलरली ईसेंट्रिक मोड में और डंबल से और थेराबैंड से अपने रोटेटर कफ को ट्रेन कर रहे हैं तो आपको इंजरी के चांसेस कम होते हैं। अगर आप जिम जाते हैं रेगुलरली तो रिकमेंडेड है कि जिस भी दिन आपकी शोल्डर की एक्सरसाइजेज है तो आप रोटेटर कफ से अपनी वार्म अप कीजिए। जिस दिन आपका चेस्ट का डे है उस दिन भी आप रोटेटर कफ को वार्म अप कीजिए ताकि उसमें इंजरी नहीं हो। सो चेस्ट और शोल्डर के दिन में पहले आपको रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस करनी है ईसेंट्रिक मोड में, उसको वार्म अप करने के लिए ताकि वो स्ट्रांग बनी रहे, उसमें इंजरी नहीं हो, और फिर ही आपको हैवी वेट लिफ्ट कर। अगर आप क्रिकेटर हैं, स्विमर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, जिसके अंदर रोटेटर कफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अंदर रोटेटर कफ इम्बेलेंसेज आते हैं। क्रिकेटर में जो बॉलर्स आते हैं उन जनरली इस एक्शन में बॉल करते हैं, सो इसके इस एक्शन से आपकी जो इंटरनल रोटेटर्स हैं सब स्कैपुलरिस वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जो एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरी स्पाइनेटस वो रहती है कम स्ट्रांग। वहीं स्विमर्स में भी ये सेम प्रॉब्लम रहती है, मसल इम्बैलेंस के कारण आपके रोटेटर कफ में डैमेज हो सकता है। तो जिनके भी एक्टिविटीज़ हैं, टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन, स्विमर्स, क्रिकेटर्स, हाथ की एक्टिविटीज़ है, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सटर्नल रोटेटर्स अपनी स्ट्रांग रखें, वो एक्सटर्नल रोटेटर्स लगातार करते रहें स्ट्रेंथनिंग ईसेंट्रिक मोड में थेराबैंड से, ताकि शोल्डर इम्बेलेंसेज नहीं हो, उनको रोटेटर कफ की इंजरी ना हो। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट हो, या आपके हमारे में रोटेटर कफ टीयर, सुप्रास्पाइनल टीयर लिखा हुआ है, टेंडन लिखा हुआ है, तो आप हमें अपनी हमारे भेजिए और मैं उसका डिटेल में ओपिनियन दूंगा। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।